हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की इस स्मार्ट क्लास में। आज हम अर्थशास्त्र के पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर इस पाठ के भाग 11 को कवर करेगा। इस भाग में हम ये जानेंगे कि मांग की लोच का माप कैसे किया जाता है। मांग की लोच को मापने की 3 विधियां होती है, जिसमें से आज इस वीडियो में हम केवल 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि है कुल व्यय विधि और दूसरी विधि है रैखिक विधि। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कुल व्यय विधि के बारे में। कुल व्यय विधि को इंग्लिश में टोटल आउटले मेथड बोलते हैं। जैसा कि इस विधि के नाम से जाहिर है कि यह विधि मांग की लोच का निर्धारण कुल व्यय के आधार पर करती है, यानी कि किसी मनुष्य के कुल खर्चे के आधार पर यह विधि मांग की कीमत लोच का निर्धारण करती है। कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से पहले के कुल व्यय की तुलना उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद के कुल व्यय से की जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय पहले की तुलना में कितना बढ़ गया है या कितना कम हो गया है या फिर उतना ही है, इससे मांग की लोच का निर्धारण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस विधि के द्वारा हम मांग की कीमत लोच का यथार्थ मान नहीं जान सकते हैं, बल्कि इस विधि के तहत उपभोक्ता की प्रतिक्रिया उसके कुल व्यय में परिवर्तन के आधार पर मापी जाती है। इस विधि में ये मापा जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फल स्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन किस प्रकार हुआ है। किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फल स्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन की कुल 3 संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना ये हो सकती है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट हो तो उससे कुल व्यय में वृद्धि हो जाए, या फिर कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए। इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु की कीमत और कुल व्यय विपरीत दिशा में चलते हैं। कीमत में परिवर्तन के फल स्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन की दूसरी संभावना ये हो सकती है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आए तो उसके फलस्वरूप कुल व्यय भी गिर जाए, या फिर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय में भी बढ़ोतरी हो जाए। तो इसका अर्थ ये होगा कि ये दोनों ही चीजें, अर्थात कीमत और कुल व्यय, दोनों एक ही दिशा में चलें, अर्थात इन दोनों के बीच सीधा संबंध हो। और तीसरी संभावना ये हो सकती है कि कीमत में परिवर्तन के फल स्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए अब इन तीनों ही संभावनाओं के द्वारा जानते हैं कि मांग की लोच का माप किस प्रकार किया जाता है। पहले संभावना 1 पर ध्यान देते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट से कुल व्यय में वृद्धि होती है या फिर कीमत बढ़ने से कुल व्यय घट जाता है, अर्थात जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच को लोचदार माना जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि ऐसी वस्तु की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, यानी कि ईडी बड़ा होता है 1 से। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग लोचदार होती है तो उसकी कीमत और उसके कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है, यानी कि उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय में गिरावट होती है और जब उस वस्तु की कीमत गिर जाती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है। चलिए अब दूसरे संभावना की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फल स्वरूप कुल व्यय भी बढ़ जाता है और किसी वस्तु की कीमत गिरने के फल स्वरूप कुल व्यय भी गिर जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि ये दोनों ही एक दिशा में चलते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच सीधा संबंध होता है। ऐसी स्थिति में मांग को बेलोचदार या फिर कीमत लोच इकाई से कम होती है, अर्थात ईडी का मान 1 से कम होता है। दूसरे शब्दों में
इस स्थिति के अंतर्गत वस्तु की कीमत और उस पर कुल व्यय एक ही दिशा में चलते हैं। चलिए अब किसी वस्तु की कीमत से उसके व्यय में होने वाले परिवर्तन की तीसरी संभावना को देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत के घटने या उस वस्तु की कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर मानी जाती है और ऐसी स्थिति में ईडी का मान एक के बराबर होता है। चलिए अब एक तारिका की सहायता से इन तीनों ही संभावना को और अच्छे से जानते हैं। इस तालिका में सबसे पहले कीमत दिखाई गई है, उसके बाद मांग और उसके बाद उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय दिखाया गया है। यदि हम किसी वस्तु की कीमत को उसकी मांग से गुना कर देंगे तो उसका कुल व्यय हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इन तीनों ही स्थिति में देखें तो यहाँ पर कीमत घटने पर कुल व्यय में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है और विपरीत संबंध होने के कारण यहाँ ईडी यानी कि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है और ईडी का मान एक से अधिक है। अगर हम अब इन तीन नई स्थितियों पर ध्यान दें तो यहाँ पर कमी होने के कारण कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कीमत जैसे जैसे 6 से 5, 5 से 4 प्रति इकाई घट रही है, तो वैसे वैसे कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है और कुल व्यय 60 बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कीमत और कुल व्यय में संबंध नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कुल व्यय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब कीमत घटने या कीमत बढ़ने से कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ईडी का मान एक होता है और मांग की कीमत लोच को इकाई के बराबर कहा जाता है। इस तीसरी स्थिति के तहत किसी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु पे किया जाने वाला व्यय भी घट रहा है। इसका अर्थ ये है कि वस्तु की कीमत और कुल व्यय में सीधा संबंध है और सीधा संबंध होने के कारण ऐसी वस्तु की मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत लोच इकाई से कम होती है और ईडी का मान एक से कम होता है। चलिए अब कुल व्यय विधि से संबंधित एक प्रश्न को करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 6 रुपए प्रति इकाई हो जाती है, तो उसकी मांग 20 इकाई से घटकर 10 इकाई हो जाती है। वस्तु पर होने वाले व्यय की तुलना करके मांग की कीमत लोच का निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न में वस्तु पर होने वाले व्यय को निकालेंगे। कीमत को मांग से गुना करने पर उस वस्तु का कुल व्यय निकल जाता है। जब वस्तु की कीमत 5 रुपए थी और उसकी मांगी गई मात्रा 20 इकाइयां थी, तो उस पर किया जाने वाला कुल व्यय 100 रुपए था। और कीमत 6 रुपए प्रति इकाई होने पर जब उसकी मांग की इकाइयां 10 है, तो उस वस्तु का कुल व्यय 60 रुपए है। तो अगर आप गौर दें तो यहाँ पर कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है। और जब कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग लोचदार होती है और ईडी का मान एक से अधिक होता है। चलिए अब मांग की कीमत लोच की माप की अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं, जो है रैखिक विधि। रैखिक विधि को अन्य बहुत से नामों से जाना जाता है। रैखिक विधि को हम ग्राफ विधि, रेखा गणितीय विधि और बिंदु विधि के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इस विधि को पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहा जाता है। बिंदु विधि या रेखा गणितीय विधि के अनुसार सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर किसी भी बिंदु की मांग की लोच ज्ञात की जा सकती है। चलिए देखते हैं कि इस विधि के अनुसार कैसे हम किसी वस्तु की कीमत लोच माप सकते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा वाला मांग वक्र लेना है, जिसमें हमें सीधी रेखा वाले मांग वक्र को एक्स अक्ष से वाई अक्ष तक बढ़ाना है। उसके बाद हमें इस मांग वक्र के ठीक बीच में एक बिंदु ले लेनी है,
जो इस वक्र को दो बराबर भागों में बांटे। ये बिंदु D है जो इस मांग वक्र को दो भागों में बांटती है, जो है DA और DB। इसके बाद हमें D बिंदु के ऊपर एक बिंदु लेना है जो है C बिंदु, और D बिंदु के नीचे एक बिंदु लेना है जो है E बिंदु। बिंदु C इस मांग वक्र के ऊपरी भाग में है और बिंदु E इस मांग वक्र के निचले भाग में स्थित है। इस मांग वक्र पर हमें जिस भी बिंदु पर लोच निकालनी होती है उस बिंदु के निचले भाग को उसके ऊपरी भाग से भाग कर देते हैं, यानी कि डिवाइड कर देते हैं। इसे आप इस सूत्र के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम एक बार इस ग्राफ पर दिखाए गए सभी बिंदुओं पर रैखिक विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करते हैं। चलिए हम सबसे पहले D बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। मांग की लोच को निकालने के लिए मांग वक्र का निचले भाग को मांग वक्र के ऊपरी भाग से डिवाइड करना होता है, तो D बिंदु पर ED हो जाएगा DB बटे DA। क्योंकि बिंदु D मांग वक्र के मध्य में स्थित है तो DB और DA का मान बराबर होगा और ED का मान 1 के बराबर हो जाएगा, और इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। चलिए अब C बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। C बिंदु पर ED का मान CB बटे CA होगा। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर ED इकाई से अधिक होगी और ED का मान 1 से अधिक होगा। चलिए अब E बिंदु पर भी मांग की लोच ज्ञात करते हैं। E बिंदु पर मांग की लोच EB बटे EA है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ED इकाई से कम है और ED का मान 1 से कम होगा। इस प्रकार बिंदु D के नीचे आने वाले प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम होगी और D बिंदु के ऊपर आने वाले सभी बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। चलिए अब जानते हैं कि B बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। B बिंदु पर मांग की लोच शून्य होगी क्योंकि इस बिंदु पर मांग की मात्रा शून्य है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर मांग की लोच बेलोचदार होगी। और बिंदु A पर मांग की कीमत लोच अनंत होगी, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर मांग की लोच पूर्ण लोचदार होगी क्योंकि यहाँ पर मांगी गई मात्रा शून्य है। ये थी मांग की कीमत लोच को मापने वाली रैखिक विधि। आप इसी प्रकार से हर एक बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुल व्यय विधि की तरह मांग की कीमत लोच का यथार्थ मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज हमने मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि के बारे में जाना और हमने रैखिक विधि के बारे में पढ़ा। चलिए देख लेते हैं कि कल के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में हम मांग की कीमत लोच को मापने की अंतिम विधि अर्थात प्रतिशत या अनुपातिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।